ओके बेटा, तो आज हम इस सेशन के अंदर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कंटेनर क्लासेस जो हमारे गिवन होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कंटेनर क्लासेस जो है वो क्या करते हैं, ये हम अपने पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है उसको सेट करने के लिए यूज करते हैं। सही है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट जो है लेफ्ट और राइट में थोड़ा स्पेस होता है, कुछ स्क्रीन फुल साइज के हिसाब से भी बनती है, जैसे आपको ये बूटस्ट्रैप 5 की दिख रही है। तो कंटेनर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बूटस्ट्रैप दैट कंटेन पेड एंड अलाइन योर कंटेंट विद गिवन डिवाइस और व्यूपॉइंट। यानी आप किस तरह से पेंडिंग मार्जिन और ये सारी चीज सेट करते हो आपको पता है ना। लेकिन अब आप अगर काम करते हैं कंटेनर्स के साथ तो ये किस तरह से काम करते हैं। कंटेनर्स आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग और डिफॉल्ट ग्रिड सिस्टम। जब आप ग्रिड सिस्टम को पढ़ेंगे इसके बाद हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं ग्रिड सिस्टम को। तो बेटा कंटेनर एक्चुअल में क्या करता है, कंटेनर को अगर आप यूज करते हैं तो कंटेनर आपका एक सिंपल क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो किसी भी डिव या किसी भी आपके किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ये क्या करेगा, बेसिक लेआउट को मोस्टली हम सेट करने के लिए कंटेनर क्लासेस का यूज करते हैं। सही है, ताकि हम फिर ग्रिड सिस्टम को यूज कर सके। कंटेनर्स आर यूज टू कंटेन पेड एंड समटाइम्स कंटेन सेंटर द कंटेंट विथ इन देम। व्हाइल कंटेनर्स कैन बी नेस्टेड मोस्ट लेआउट डू नॉट रिक्वायर अ नेस्टेड कंटेनर। यानी कंटेनर के अंदर कंटेनर्स भी हम यूज करते हैं लेकिन कभी कभार इसकी जरूरत नहीं होती। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, एक न्यू हम यहां पे आके क्या बना देते हैं, इंडेक्स 2.html। यहां पे आपने बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट उठाना है, आपको पता है कहां से मिलेगा, इसकी वेबसाइट पे जाओ, स्टार्टर टेम्पलेट इसको कॉपी करें और यहां पे आके आप इसको पेस्ट करते हैं। और ये जो चीजें हेलो वर्ल्ड वगैरह इसको मैं अभी रहने देता हूं। इसके अंदर मैं अभी के लिए सिंपल सा एक क्या बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी दिल करे आप बना सकते हैं। हमने अलर्ट पढ़े थे, सही है, मैं क्या बना देता हूं एक डिव क्लास बना देते हैं उसको अलर्ट, फिर अलर्ट कौन सा मैं कर देता हूं डेंजर। इसके अंदर लोरेम 10 वर्ड्स का हम एड कर देते हैं, कौन सा क्लियर हो गया। अब इसको मुझे चलाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां आता हूं इसको बता देता हूं कि कौन सा पे चलाना, इंडेक्स 2.html। तो ये आपको अलर्ट नजर आ रहा है, कौन सा क्लियर है। अब अगर आप चाहते हो इससे पहले मैं क्या करूं, इसने बोला था ना बेसिक लेआउट के लिए कंटेनर्स यूज करते हैं, तो मैं अगर कंटेनर क्लास अप्लाई करता हूं तो एक चीज नोट करें, कंटेनर और यहां पे आते हैं डिव को कहां क्लोज करेंगे, इस अलर्ट के बाद सेव करते हैं, यहां आते हैं। तो लेफ्ट और राइट से आपको क्या शोर है, स्पेस शोर है। अब आपने अगर पूरी वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से सेंटर में आप इसको क्रिएट करते रहेंगे, ठीक हो गया बेटा। तो जब भी हमारे पास किसी स्क्रीन को आप लेफ्ट और राइट में से कोई स्पेस चाहते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें अगर क्या लगाना है, कंटेनर फिलिड लगाना है तो क्या होगा, लेकिन एक चीज नोट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आता हूं, यहां पर आके मैंने इसकी स्क्रीन को कर लिया इस तरह से, सही है। अब ये कौन सी स्क्रीन है मैं आपको नहीं बता रहा, मैं यहां पर आता हूं राइट क्लिक करता हूं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, अभी आप देखेंगे कौन सी स्क्रीन है, बहुत बड़ी है 1800 पिक्सल यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर है हम, 1400 से अबव है ना, शोर ही पिक्सल्स। यहां पे आप मैनुअल भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 400 पिक्सल तो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएंगे, कौन सा क्लियर हो गया। एक चीज नोट करो, कौन सी, आपका भले कितना भी छोटा स्क्रीन साइज हो उस पर क्या नजर आ रहा है, कंटेनर की साइज फिक्स होती है, भले वो छोटी सी छोटी डिवाइस पे जाए या बड़ी की बड़ी डिवाइस पे, कौन सा क्लियर हो गया। राइट, यानी हम अगर कंटेनर क्लास अप्लाई कर रहे हैं तो भले वो छोटी सी मोबाइल पे भी आप चलाएंगे तो फिर भी लेफ्ट राइट में स्पेस नजर आए, कौन सा क्लियर है। हाँ, इसको मीडिया की रीच के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन की साइज ये हो जाए तो फिर आपकी वो फुल विड्थ में आ जाए या कंटेनर फिलिड अप्लाई हो जाए, कौन सा क्लियर हो गया, ये कर सकते हैं।
अच्छा अगर मैं कंटेनर फिलिड को अप्लाई करता हूं, कंटेनर फिलिड आ रहा है, सही है, आपने कंटेनर फिलिड को बस फिलिड लिख देना है, सेव लिखा, सेव किया ऐसे, और इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, इसको नॉर्मल साइज में। कंटेनर फिलिड सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अब देखो हमारे पास स्क्रीन साइज क्या है, बिल्कुल आपकी समझ लें कि अभी भी आपकी वो लगी नहीं है, छोटा सा स्पेस एटलीस्ट है। अब इसका मकसद क्या है, मैं यहां पे आता हूं, मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअल में हो क्या रहा है। कंटेनर्स, एक तो क्लास कंटेनर थी जो हमने अप्लाई कर दी, दूसरी कौन सी है, कंटेनर फिलिड। कंटेनर क्लास की डेफिनेशन पढ़ो क्या करता है, सेट्स अ मैक्सिमम विड्थ, ये क्या है, मैक्सिमम विड्थ सेट करता है एट ईच रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, हर रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट पे, चाहे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, सारी डिवाइसेस पे कंटेनर क्लास क्या करेगा, स्क्रीन की जो साइज है उसमें लेफ्ट राइट में स्पेस होगा। अच्छा कंटेनर फिलिड क्या करता है, Which is width is 100% at all breakpoints. आपकी हर वो स्क्रीन जिस पे भी आप कंटेनर फिलिड लगाते हैं उस पे वो क्या करेगा, आपके पास सेव दिस, राइट क्लिक, लाइव सर्वर ओपन करें, ये देखें इस तरह से शो, सही है, यानी इसकी width height क्या होगी, 100% होगी। सपोज मैं एक काम कर लेता हूं, इस अलर्ट को हटा के एक खाली डिव लिख देता हूं या खाली एक लोरेम लिख देते हैं, सेव दिस टेक्स्ट, तो आपको शोर है। अच्छा अब मैं एक काम करूं यहां पे, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, तो देखें क्या हो रहा है। अब आप किसी भी स्क्रीन पे जाए, इसकी विड्थ क्या है बेटा, 100% है, श्योर है, मैं 5300 पिक्सल पे गया हूं, अगर इतनी बड़ी भी स्क्रीन होगी लाइक मीडिया जो हमारे मल्टीमीडिया वगैरह होते हैं, बहुत बड़ी LCDs होती हैं, उन पे भी लेके जाओगे तब भी 100% दिखेगा। ये देखें छोटी से छोटी डिवाइस, बड़ी से बड़ी डिवाइस, सारी डिवाइसेस पे इसकी विड्थ क्या होगी, 100% होगी। तो कंटेनर फिलिड यूज होता है पूरी विड्थ के लिए, कंटेनर यूज होता है हमारी लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस छोड़ के हमारा कंटेनर एज अ सेंटर में काम आ रहा होता है। ठीक हो गया, ये दो क्लासेस हैं, और उसके बाद कंटेनर और ब्रेक पॉइंट, आप अपने मर्जी से कंटेनर को सेट कर सकते हैं, व्हिच इज विड्थ इज 100% अंटिल द स्पेसिफाइड ब्रेक पॉइंट, यानी जब तक आप चाहे वो 100% रहेगा, उसके बाद जो चाहे आप उससे करवा सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया, तो तीन तरह की चीजें हैं और ये आपके गिवन क्या है, क्लासेस है। अब इंटरेस्टिंग चीज तो अब है, कंटेनर आपने अगर अप्लाई किया तो 100% किस तरह से नजर आएगा, कौन कौन सी डिवाइसेस पे, ये आपकी हर डिवाइस पे इस तरह से नजर आएगा, कौन सा क्लियर हो गया, सही है। लेकिन कंटेनर स्मॉल की बात करें तो 100% कहां नजर आएगा, ये इस पे, फिर इस पे कितनी हो जाएगी स्मॉल पे इसकी, बेटा देखो आपकी ये जो डिवाइसेस है ना इनकी टोटल विड्थ ही इतनी होती है, आंसर क्लियर है, तो इस तरह से नजर आते हैं। और उसके बाद कंटेनर स्मॉल आपका 100% होगा, कंटेनर मीडियम, अच्छा मीडियम पे एक चीज नोट करें ना, यहां पे भी 100% नजर आएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी क्या नजर आएगा, 100%, जबकि मीडियम पे क्या नजर आएगा, यानी अब देखें खाली हमने कंटेनर अप्लाई किया था तो 100% था और बाकी स्क्रीन के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज थी वो आपका अप्लाई हो रहा था। बात करते हैं कंटेनर मीडियम की, तो मीडियम पे जाते हैं, कंटेनर मीडियम को अप्लाई करते हैं, मैं यहां पे आता हूं कंटेनर, अब इसको करता हूं, ये कह रहा था ना थर्ड वाला, बेटा थर्ड वाला कंटेनर था, यहां पे ऊपर जाओ जिसमें हम अपनी मर्जी की ब्रेक पॉइंट बता रहे थे, ये उसकी बात हो रही कि कंटेनर क्लास अप्लाई करो फिर बताओ मीडियम पे ये कंटेनर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, वरना आपका वो किस तरह बिहेव करेगा वो वही बात कर रहा था। सेव दिस और उसके बाद यहां पे आके इसको चला देते हैं। अब मैं यहां पे इसको कर देता हूं रिफ्रेश,
ठीक है, अब यहां पे आते हैं, देखें किस तरह से मैनेज कर रहा है। देखें, अब इसने कहा था 100% कहां पे होगा, 100% है ये, देखो लेफ्ट राइट में कुछ स्पेस है, नथिंग, ये फ्लूइड की तरह ही काम कर रहा है ना। यानी हमारे पास कंटेनर मीडियम, मीडियम की टोटल साइज क्या होती है, इसने मेंशन किया हुआ कंटेनर मीडियम की, ये देखो कंटेनर मीडियम की, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 100% रहेगा, यानी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, सॉरी इस पे, और स्मॉल पे भी क्या ऑक्यूपाई करेगा, सही है, लेकिन जब भी मीडियम पे जाएगा 720 पिक्सल ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी जब हम मीडियम पे होंगे ना, 720 पिक्सल जब होंगे तब ये लेफ्ट और राइट में स्पेस देगा, इसके नीचे जाएंगे तो स्पेस नहीं आएगा। इसका मकसद समझ में आया, कंटेनर एमडी यानी मीडियम के बाद आप क्या करोगे, इस कंटेनर को अप्लाई करोगे, समझ में आया। कंटेनर मीडियम यानी मीडियम इज अ ब्रेक पॉइंट है, आपने बता दी कंटेनर की कि मीडियम के बाद आप आगे जाएंगे तभी कंटेनर अप्लाई होगा, आप पीछे जाएंगे 100% है। पहले तो कंटेनर हर स्क्रीन पे अप्लाई हो रहा था ना, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो, हर जगह पे लेफ्ट और राइट में स्पेस था। अब आपने बताया कंटेनर मीडियम यानी मीडियम के आगे जाएंगे, मीडियम पे जाएंगे तो लेफ्ट और राइट में स्पेस होगा, लेकिन मीडियम से कम होंगे तो कंटेनर अप्लाई नहीं होगा, वही हो रहा है, सही है। आप कहां से 576 पिक्सल चले जी, 576 यहां पे नोट करें, सही है। अब आपका यहां पे जब आप कहां पे आ गए, 720 पिक्सल पे आ गए, तो उसके बाद वो कंटेनर अप्लाई हो रहा है ना, यहां पे ये देखें। यानी मीडियम डिवाइस की साइज क्या है बेटा, मीडियम डिवाइस पढ़े यहां पे, 768 है ना, 768 के ये देखें, इशोर है, नोट कीजिएगा 768, एंटर, तो आपका कंटेनर अप्लाई हो गया, सही है। मैं 767 करता हूं, एंटर करता हूं, देखो 100% हो गया। अब वो स्पेस आ रहा जो आ रहा था लेफ्ट में, यानी एक पिक्सल भी कम करोगे तो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने बता दिया कि कंटेनर मीडियम, तो मीडियम एज अ समझ लो हमारी फिक्स हो गई 768 जो पिक्सल है, तब तक आपका क्या होगा कंटेनर, यानी उसके आगे जाएंगे तो लेफ्ट में राइट में स्पेस होगा, पीछे जाओगे स्पेस नहीं होगा। कौन सा क्लियर हो गया, पहले कंटेनर था हर जगह आपका लेफ्ट राइट में स्पेस, अब आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं, है ना। इसी तरह अगर आप बता देते हैं कंटेनर एलजी, तो लार्ज डिवाइस तक, अब लार्ज की तरह यहां पर देखें क्या है बेटा, 992 पिक्सल, 992 पिक्सल के बाद ये देखें इसे पीछे जाएंगे 100% रहेगा कंटेनर। अगर आप 992 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन होगी तभी आपका वो लेफ्ट राइट में स्पेस देगा, वरना स्पेस नहीं देगा, सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से काम करता है, डिफॉल्ट कंटेनर आप अप्लाई कर चुके हैं, हर डिवाइस पे क्या होगा ये 100%, डिफॉल्ट कंटेनर पढ़ा चुका हूं मैं, जो कंटेनर क्लास था, रेस्पॉन्सिव कंटेनर मैंने बता दिया रही है सारे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फ्लूइड कंटेनर भी आपको शो हो रहे हैं, ये बता दिया लेफ्ट राइट से आपके 100% वेट ऑक्यूपाई कर लेता है हर डिवाइस पे, सही है। आप अपनी मर्जी से, ये कस्टमाइज है, सेस वगैरह के लिए आप यूज करते हैं, ये देखें, यू मे कस्टमाइज दीज प्रीडिफाइंड कंटेनर क्लासेस बाय मॉडिफाइंग द सेस मैप फाउंड इन द वेरिएबल्स डॉट एस सी डबल एस, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके बेटा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इसमें काम करना चाहते हो तो यहां पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर लोगों ने कस्टम प्रॉपर्टीज की भी एज अ फीचर दी हुई है, कि फॉर एग्जांपल आपकी बिल्ट इन चीजें हैं। अब बूटस्ट्रैप 4 या 3 में जब आप जाते हो तो वहां पे भी कुछ कस्टम चीजें हैं, कस्टम से मकसद कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो फिक्स्ड बने हुए हैं, आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सही है। कोई प्रॉपर्टी उन्होंने दी भाई ये जो है बटन बीटीएन प्राइमरी है, इसको चेंज करोगे तो मसले होंगे, उस कंपोनेंट में चेंजेस करोगे तो मसले होंगे, रेस्पॉन्सिव में मसला आ गया, उसके डिफरेंट लेआउट के हिसाब से कलर मैच नहीं होंगे, सही है। और ये होगा, आप नेविगेशन वगैरह को चेंज करेंगे ना
तो ऑलरेडी बिल्ट इन जो आपका कंपोनेंट आप यूज करोगे और उसको मॉडिफाई करोगे तो मसले हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आप हमारे कंपोनेंट को चेंज ना करो, हम आपको अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं कस्टम, उनको यूज करके अपने क्लासेस अपने नाम से बना के उनको यूज कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि आपका काम भी हो जाए और आपको यहां से भी डिस्टर्बेंस ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास जो है आपकी कंटेनर्स क्लासेस, और हमने इसको अच्छे से देख लिया है कि आप डिफरेंट साइजेस के ऊपर कंटेनर्स, कंटेनर फिलेट और इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया।